देखिए जी, ये दो उम्मीदवारों का केस था जिसमें पीपल्स पार्टी के उबैद गोरवे साहब थे जिन्होंने इलेक्शन जीता है PB44 कोयटा 7 से, और नेशनल पार्टी के जनाब अता मोहम्मद गंगुली साहब जिन्होंने उनके इलेक्शन को चैलेंज किया है। और अब जो है वो तमाम गवाहों की रोशनी में और हमारे बहस की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स के अपने फैसलों की रोशनी में अदालत ने फैसले को महफूज किया है। हम समझते हैं कानून के नज़र में ये इलेक्शन पिटीशन काबिल समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीक़ेकार जो असूल वज़ा किए हैं उन असूलों की रोशनी में इस इलेक्शन पिटीशन का जो है वो काबिल समाअत न होना बनता है और कानून के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात सियासी है, ज़ाहिर बात है वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला था तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो कैंडिडेट है उसका जो बैकग्राउंड उसको बता रहा हूँ, मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। मगर पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है और उसके जो उबैद गोरगई साहब जीते हैं उसका जो नेशनल असम्बली कैंडिडेट है वो भी जीता है, नवाबजादा जमाल रहसानी साहब। उसके साथ दाएं बाएं जितने भी उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के वो जीते हैं, और नेशनल लियाकत जो दाएं बाएं मैंने कहा सबका, तो मीर लियाकत लहरी साहब भी जीते हैं। मतलब असरात जो हैं पीपल्स पार्टी के हैं, आज के नहीं इससे पहले भी सरदार उमर गोरगई साहब भी इन्हीं इसी कोयटा में से वो जीता है। तो ज़ाहिर बात है जो पॉलिटिकल असरात हैं वो पीपल्स पार्टी की कौमी जमात के हिस्से से उबैदुल्लाह गोरगई साहब ने, हम समझते हैं कानून के मुताबिक अवामी राय से दुरुस्त जीता है, बाकी फैसला अदालत के हाथ में है। ये हमारे जो बहस था वो इसी रोशनी में था। जी जी, देखें हम अदालत के फैसलों के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हमारी जो कानूनी दलाइल हैं उसकी वजह से मुतमैन है इंशाल्लाह कानून प्रिवेल करेगा। आज इलेक्शन पटिशन मीर अता मोहम्मद बंगुल्जई की फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए रखा गया था, दो दिन पहले आधे आर्गूमेंट्स हमारे बहस हो गए थे और आज कंक्लूड हो गया था, जो केस की सुनवाई हुई थी बाकायदा तसल्ली से और जिसमें बेजाबतियाँ हुई थी और जो हमने पॉइंट आउट की और जो जो पोलिंग स्टेशन पे मुतनाज़ा थे हमारे 16 पोलिंग स्टेशन पे, जिस तरह जो एक वार्ड जो दूसरे उम्मीदवारों को और मीर अता मोहम्मद बंगुल्जई साहब के वार्ड थे उनको उन्होंने फॉर्म 45 से जो टेम्पर करके जो हमने अपने पटिशन में पॉइंट आउट की थी उसी को हमने बजरिया इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जो उन्होंने ये रिकॉर्ड हमारे रिक्वेस्ट पे एज ए कोर्ट विटनेस पेश की थी उससे हमारा जो उम्मीद है कि वो साबित हो गया है, जो हमारा पटिशन के मुद्दा था, जो हमारी जो पटिशन के कंटेंशंस थे, और हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह के आज दलाइल दिए गए, बहस किए और हमने मोजिज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट, मोजिज़ अदालत जो ट्रिब्यूनल उनके अपने फैसले थे उसके रूह से इंशाल्लाह हम पूर्ण उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह फैसला जो है वो मेरिट पे होगा। जी हाँ, फैसला भी महफूज हो गया।